हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी फ्रेंड्स अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स जानते ही हैं, इसराइल भारत का काफ़ी ज़्यादा आजमाया हुआ और एक रिलायबल और भरोसेमंद पार्टनर देश है, जिसके ऊपर भारत भरोसा कर सकता है। और दोस्तों, मौजूदा समय में जो भारत की रूलिंग पार्टी है यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट, वो जब जब सत्ता में आई है यानी कि केंद्र में आई है, इसराइल के साथ उन्होंने रिश्तों को मजबूत करने की पूरी कोशिश करी है और रिश्ते मजबूत रखे भी हैं। इवन दोस्तों, भारत इसराइल को एक विशेष तरीके का सबसे ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि दोस्तों डिप्लोमेटिक के साथ साथ भारत के लोगों के और इसराइल के लोगों के संबंध भी आपस में भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों, भारत की मौजूदा रूलिंग पार्टी ने इसराइल के साथ हथियार के क्षेत्र में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में संबंध काफी ज्यादा मजबूत बनाए। वहीं दूसरी तरफ भारत का विपक्ष इसराइल के पक्ष में नहीं रहता, उन्हें इसराइल के साथ रिश्ते कुछ खास पसंद नहीं है। बावजूद इसके इसराइल ने भी भारत के साथ इन जटिल परिस्थितियों में अच्छे रिश्ते मेंटेन करके रखे हैं। और आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से दोस्तों, इसराइल ने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए भारत के ऐसे क्षेत्र में भारत की मदद करने की बात कही है जिस क्षेत्र में भारत पूरी तरीके से नया है। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि इसराइल के एल्बिट सिस्टम्स, जो कि एक इसराइली कंपनी है, इन्होंने भारत को हाई एटीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और लो एटीट्यूड हाई एंड्योरेंस वाले ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में भारत को सहायता, सपोर्ट और विकास परियोजनाओं का आश्वासन दिया है कि भारत के साथ मिलकर वे इन सभी परियोजनाओं पर मिलकर कार्य करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी फ्रेंड जानते हैं, ड्रोन हथियारों के मामले में भारत पूरी तरीके से एक नया खिलाड़ी है। यही कारण है कि ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में भारत कई सारी नई नई चुनौतियों का नित्य दिन सामना कर रहा है। और इसका एक बड़ा एग्जांपल ये भी है कि भारत की जो रुस्तम ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी भारत को कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। और भारत के खुद के अपने आर्चर ड्रोन को लेकर भी भारत को काफी ज्यादा डिले का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे में इसराइल ने भारत को एक नई ड्रोन हथियार परियोजना के ऊपर प्रस्ताव दिया है, जिससे कि भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा ड्रोन के क्षेत्र में, चाहे वो अटैक ड्रोन हो चाहे वो सर्विलांस ड्रोन हो। पूरी दुनिया इस बात को भली भांति जानती है और भारत भी इस बात को बड़े ही अच्छे से जानता है कि इसराइल ड्रोन हथियारों के मामले में पूरी दुनिया में फेमस है और इसराइल के ड्रोन हथियार और इसराइल के अटैक ड्रोन्स सबसे ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं। साथ ही दोस्तों, हम भली भांति इस बात को भी जानते हैं कि आज तक के इतिहास में भारत और इसराइल ने मिलकर जितने भी किसी भी तरीके के हथियारों का निर्माण किया है साथ में मिलकर, वो हथियार आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा किफायती और सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा डेडली हथियार माने जाते हैं। तो भारत और इसराइल के साथ में हथियारों को मैन्युफैक्चर करने का जो इतिहास रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा रहा है। तो ऐसे में भारत और इसराइल जब ड्रोन हथियार साथ मिलकर बनाएंगे तो उम्मीद है कि वो भी बेहतर से बेहतर ड्रोन हथियार बनकर सामने आएंगे। बाकी इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप सभी फ्रेंड्स के क्या विचार है, कमेंट्स कर अपने वैल्यूबल विचार जरूर बताएं। भारत इसराइल की साझेदारी को लेकर आप सभी फ्रेंड्स के क्या विचार है, क्या भारत को इसराइल के साथ मिलकर ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए या नहीं, अपने वैल्यूबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।